अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू माई चैनल। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ज़बरदस्त टिकिया जो कि हम सोयाबीन से बनाने वाले हैं। तो ये जो तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो आप दूसरे तरीके से बनाना भूल जाएंगे, और ये मार्केट वगैरह से जो भी हम टिकिया वगैरह लाते हैं तो वो आप लाना भूल जाएंगे। तो ये मैंने एक कटोरे ले ली हूँ सोयाबीन से, हमें भिगा लेना है या तो फिर हम गर्म पानी में इसे जल्दबाजी में उबाल सकते हैं। तो मैं इसे गर्म पानी में बॉइल करके इसे बड़े कर लेना है। तो ये मेरा बॉईल हो चुका है और इसको मैंने गरम निकाल दी हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसे डाल देना है मिक्सी के जार में। तो ये मैंने मिक्सी के जार में डाल दी हूँ, और ये मुझे लेना है थोड़ा सा ज़ीरा लेना है 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून लेना है हमें सेल्ट यानी नमक। तो अभी इसमें डाल देना है। अभी आप डायरेक्टली डाल कर पी सकते हैं या बाद में आप डाल सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो मैं पहले ही डाल के मिक्सी में पीस लूँगी साथ में। तो हमने लेना है गरम मसाला 2 टेबल स्पून गरम मसाले लेना, ताकि हम जो टिकिया खाएंगे सोयाबीन की तो हमें इसका स्वाद है ना दम मीट का आना चाहिए। और हमें लेना 5 से 6 हरी मिर्चियाँ। जिसको स्पाइसी ज़्यादा खाना है वो ज़्यादा स्पाइसी ले सकता है, तो मैंने नॉर्मल स्पाइसी ली। और थोड़ी ले लेनी है हमें प्याज, और थोड़े लहसुन लेने हैं 5-6 कली। इसे मिक्सी के जार में हमें पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसको हमने ग्राइंड कर लिए। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके का हमें बारीक चाहिए, देख सकते हैं एकदम बारीक हो चुका। बस इसी तरीके का पेस्ट हमें बनाना था। देख सकते हैं आप लोग कि हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया। थोड़ा हमारी जो बची हुई प्याज बची थी उसे भी हमें इसमें मिला लेनी है अच्छे से। तो हमने क्या करनी है, इसको हमने अलग कर लेना है, और ये हमारी बारीक सेवई ले लेनी है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें इसे ऐसा लेना है और इस तरीके की लॉलीपॉप बनानी है इसकी। उसके बाद मैं इस सेवई में इस तरीके की लगा लेनी है, या हम ज़्यादा लगा सकते हैं या कम भी। तो देख सकते हैं ये हमारे लॉलीपॉप टिकिया बनके रेडी हो चुकी है। हम इसे इस शेप में लेंगे, ऐसे प्लेट में हमें रख लेना है। देख सकते हैं इतनी प्यारी लग रही है लुक। तो हमें इस तरीके से बना लेना है। हम एक और तरीका बना सकते हैं, जो कि हमें जो टिकिया मैंने पहले बोली थी आपको, तो टिकिया बनाने के लिए हमें इस तरीके की गोल बना लेनी है। गोल बनाने के बाद हमें इसमें सेवई लगाना है। हमें अंडे वगैरह कुछ नहीं लगाना, ये उन लोगों के लिए भी है जो हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, डाइट करने वाले लोग हैं। तो ये हमारी हेल्दी फूड है और इसमें बहुत सी प्रोटीन होती है सोयाबीन में, और सबको मालूम है कि सोयाबीन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैंने दो तरीके का डिज़ाइन बना लेना है, एक मैंने लॉलीपॉप का बनाई हूँ और एक मैंने टिकिए का डिज़ाइन। तो हम ये दो डिज़ाइन ये इतने से सोयाबीन के मसाले में हम बना के तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए हम पूरे बना लेते हैं। तो आप लोग हमारे इतनी सी मतलब थोड़े सोयाबीन में इतनी सारी टिकिया और ये हमारे लॉलीपॉप बनकर रेडी हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना ज़बरदस्त बना हुआ। और ये मेन बात तो ये है कि ये सोयाबीन वगैरह है, ये टेस्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती है, और उनके लिए ख़ास कर है जो लोग गोश्त मछली वगैरह नहीं खाते, वो इजीली इस तरीके की सोयाबीन की टिकिया और लॉलीपॉप बनाकर वो मीट का स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हमें इसे हेल्दी बनाना है इसलिए हमने कम ऑयल डाले। तो हमें क्या करना है कि हमारी लॉलीपॉप वगैरह एक एक उठा के इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं छुरी की मदद से इसे करके देख सकते हैं आप लोग की कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। दो मैंने एक ही चीज़ों के दो चीज़ें बनाकर रेडी कर चुकी हूँ, एक लॉलीपॉप बना के रेडी कर दी। तो ये मैं टमाटर सॉस के साथ इसे सर्व
सर्व करनी है। तो इसे गार्निशिंग करने के लिए टमाटो सॉस, तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक लग रहा है, जैसे कि हमने बाहर से लेकर आई है। हमारा 2 से 3 मिनट बनकर रेडी हो चुका है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।